हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियो। सो यहाँ पे मेरे पास है चश्मे के बॉक्स जैसा दिखने वाला बॉक्स, जिसमें कोई चश्मा नहीं है। इसके अंदर है स्क्रू ड्राइवर सेट। ये देखो, ये स्क्रू ड्राइवर सेट है जो कि 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में ऑनलाइन मिल जाता है। और इसके साथ यहाँ पे मेरे पास है ब्लैक एंड डेकर कंपनी का 6 वोल्ट एल्कलाइन स्क्रू ड्राइवर सेट। ये एक मोटर बेस्ड स्क्रू ड्राइवर सेट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टक्कर कराने वाले हैं किसकी, इन दोनों स्क्रू ड्राइवर्स की, या फिर बोलो कंपटीशन कराने वाले हैं इन दोनों स्क्रू ड्राइवर्स का। तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स में हमें मिल जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग बिट्स, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज के बॉक्स में आती हैं। और ये रहा इसका होल्डर। और इसके होल्डर की खास बात ये भी है कि इसके अंदर एक टेस्टर भी है, आप इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है क्योंकि इसकी बिट काफ़ी लंबी है, तो आप लोग गलती से बिट को भी छू सकते हैं। तो इसे ध्यान से ही यूज़ करना होगा इसके टेस्टर का। और यहाँ पे इसका जो कॉम्पिटिटर है, ये एल्कलाइन वाला स्क्रू ड्राइवर सेट, इसे मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इसे देखने से ही मालूम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसमें जंग लग चुकी है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है इसे यूज़ करते करते। और इसमें एक बात का ध्यान देना होता है कि इसमें केवल और केवल एल्कलाइन बैटरीज का ही यूज़ किया जाता है। अगर मार्केट में आपको लेना हो तो आप लोग ड्यूरासेल की एल्कलाइन बैटरीज ले सकते हैं, जो कि करीब 42 रुपए की आती है। और इसमें आपको पहले से ही 4 बैटरीज मिल जाती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें बैटरीज को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो बहुत ही आसान काम है इनमें बैटरीज को लगाना। ये देखो कुछ ऐसे, आपको इसके पीछे का कैप निकालना होगा, फिर 4 बैटरीज को लगा के कुछ इस तरीके से फिट कर देना होगा। और 3 महीने से अभी तक इसकी बैटरी की पावर में कोई भी कमी नहीं आई है, आराम से मेरा ये स्क्रू ड्राइवर चल रहा है। तो आज हम लोग इस मोटे वाले स्क्रू ड्राइवर को अलग अलग कंडीशन में टेस्ट करने वाले हैं और इसका कंपटीशन भी करेंगे मैनुअल वाले स्क्रू ड्राइवर के साथ। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले कंपटीशन ही रखते हैं मैनुअल वाले और इस मोटे वाले स्क्रू ड्राइवर के बीच में। तो देखते हैं कौन विजेता होता है। तो यहाँ पे कंपटीशन कुछ ऐसा है, यहाँ पे मेरे पास एक प्लाई बोर्ड है मजबूत वाला, जिसमें कि 10 और 10 20 छेद बने हुए हैं। तो हमें सिंपली करना यह है कि स्टॉप वॉच लगा के ये जो स्क्रू पड़े हुए हैं इनको पहले मैनुअल वाले स्क्रू ड्राइवर से, फिर इस मोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से कसना है और खोलना है वो भी स्टॉप वॉच लगा के, और देखना है कि सबसे आसानी से और सबसे पहले काम किस में होगा। तो यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैनुअल वाला ही जीत जाए, तो मेरी तो पूरी कोशिश ही रहेगी। तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। तो चलिए ये कॉम्पिटिशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे उतर के आएगा कौन, ये मोटर वाला स्क्रू ड्राइवर। तो देखते हैं ये कितने समय में 10 स्क्रू को कसता है। तो ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नवां, और ये 10वां, और स्टॉपवॉच बंद। तो फाइनली हमने कसा 10 स्क्रूज को लगभग 58 सेकंड में। तो ये था हमारा टारगेट जिसे कि क्रॉस करना है अभी हमें मैनुअल वाले स्क्रू ड्राइवर के साथ। तो देखते हैं क्या मैं इस टारगेट को क्रॉस कर पाऊंगा या नहीं। 57.91 सेकंड का टारगेट है, ठीक है। तो चलिए इसे क्रॉस करते हैं और ये स्टार्ट। तो ये पहला, मैं भी काफी फास्ट कस रहा हूं, और ये दूसरा, फिर तीसरा, अब चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नवा और 10वां। ओ माय गॉड यार, थोड़ा सा रह गया, 1 मिनट 14 सेकंड, मतलब कि प्रैक्टिस से हम लोग 57 सेकंड पे पहुंच सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब हाथ से कसा है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग ही गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो चलिए अभी इसे वापस खोलने का कंपटीशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनुअल वाले से 3, 2, 1 स्टार्ट। तो ये पहला खोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नवा और ये 10वां, और स्टॉप वॉच क्लोज करते हैं इसे हटाने के बाद, और ये हो गया। तो इसे ओपन करने में लगे हैं हमें 1 मिनट 2 सेकंड का समय मैनुअल वाले से। तो देखते हैं क्या ये जो हमारे पास है नहीं मोटर वाला, इसे क्रॉस कर पाएगा या नहीं।
आई थिंक इसे आसानी से क्रॉस कर लेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां। तो इसने सारे 10 स्क्रूज को ओपन कर लिया है लगभग 40 सेकेंड में। तो देखा जाए यहाँ पे मोटर वाला ही जीता है, लेकिन अगर खूब प्रैक्टिस हो तो इसे हराया भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे फायदा ये निकल के आया, मोटर वाले से एनर्जी की बचत हुई, जिसकी मदद से आप लंबे समय तक खूब ज़्यादा स्क्रू टाइट कर सकते हैं, जबकि मैनुअल वाले में लगातार 10 ओपन और कसने में ही हालत ख़राब हो गई थी। तो अगर आपको ज़्यादा स्क्रू कसने होते हैं तो मोटर वाला आपके लिए वर्थ है। चलिए इस मोटर वाले स्क्रू ड्राइवर्स की अलग अलग कंडीशन में पावर टेस्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग सरफेस में बिना होल के किसी स्क्रू को टाइट करने की कोशिश करूँगा इस मोटर वाले से। तो सबसे पहले इस स्क्रू को हम लोग कसेंगे MDF बोर्ड की इस दफ्ती में बिना छेद के। तो आसानी से हो गया, आप लोग देख सकते हैं दोनों दफ्ती के आर पार निकल गया और कस भी गया। तो इसमें तो हो गया, अभी हम लोग प्लास्टिक की सरफेस में करेंगे। तो इसको मेहनत तो लगी, लेकिन इसने प्लास्टिक की सरफेस में भी छेद कर दिया है। और की बार हम लोग करेंगे इतनी मोटी दफ्ती में, दफ्ती नहीं लकड़ी है ये। तो यहाँ पे इसकी हालत खराब लग रही है, इसके आर पार नहीं जा पा रहा है ये। एक बार ट्राई करते हैं। तो बस शायद आधी ही लकड़ी के पार गया है, लेकिन पार निकल गया है। मुझे लगा इसके पार निकल गया है, लेकिन जितना भी गया है काफी मजबूती से इसमें फिट हो गया है। अब की बार इसके लेवल को और बढ़ाते हैं, यहाँ पे काफी मजबूत वाला प्लाईबोर्ड है, इस पे ट्राई करते हैं। तो इसमें भी इसकी हालत खराब हो रही है, लेकिन अगर छेद पहले से बना हुआ हो तो। तब यह आसानी से वर्क कर जाता है इतने मजबूत वाले प्लाई बोर्ड में। एक बार और, लेकिन जो भी हो पावर तो है इसमें। बताओ इतने मोटे बोर्ड में भी, इतने मजबूत बोर्ड में भी आधा पेंच घुस गया। और इसमें एक और खास बात है, इसे आप मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बाय चांस इसके मोटर में दम नहीं है तो इस तरीके से ये मैन्युअली भी पेंचों को कस सकता है। तो काफी अच्छी बात है ना। और वापस से मोटर, तो मोटर वाले मोड यानी कि पावर मोड से मैनुअल मोड में जाने के लिए आपको बस इसके नॉब को ही घुमाना पड़ता है। तो जब मोटर के बस की बात ना हो तब आपके ऊपर हो जाता है स्क्रू को टाइट करना। तो चलिए बात करते हैं वीडियो के कंक्लूजन के, लेकिन सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको इस एल्कलाइन स्क्रूड्राइवर में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, जिसकी वजह से आप इस स्क्रूड्राइवर को खरीदना चाहेंगे। अगर मैं बताऊं तो मैं कहूंगा कि इसमें मेहनत कम लगती है, तो इस वजह से मैं इस स्क्रूड्राइवर को खरीदूंगा। और इसमें 14 बिट्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और कीमत भी 750 रुपए से 1000 के बीच में है, जो कि ज्यादा महंगी भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक वैल्यू फॉर मनी डील है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इसे खरीद सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो।
और मैं उस मैनुअल वाले स्क्रूड्राइवर की भी लिंक दे दूंगा। टपेरिया कंपनी का बहुत अच्छी कंपनी होती है, उसकी खास बात यह है कि वो कॉम्पैक्ट है और इसमें एक टेस्टर का भी फंक्शन मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छी डील है। मेरे हिसाब से ये दोनों प्रोडक्ट काफी अच्छे प्रोडक्ट हैं जो कि कभी न कभी हमारे यूज में आते ही हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से प्रेस करना।